नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम जानने वाले हैं कि लॉटरी का व्यापार क्या होता है, व्हाट इज़ द लॉटरी बिजनेस। देखिए, लॉटरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम अक्सर टीवी में और बहुत सारे जगहों पे देखते हैं और बहुत सारे दुकान में भी देखते हैं कि लॉटरी बिक रहा है लोगों को, किसी को 1 करोड़ का लग गया, किसी को 2 करोड़ का लग गया लॉटरी। मगर इसके पीछे क्या होता है और कैसे इसको ये लॉटरी का खेल होता है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं आपसे। देखिए, लॉटरी बिजनेस को समझने से पहले हमें लॉटरी को समझ लेते हैं कि लॉटरी का अर्थ होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक नंबर के अनुसार, सीरियल नंबर के अनुसार टिकट को बेचा जाता है और टिकट को बेच के पैसा इकट्ठा किया जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने 2000 टिकट निकाला तो उसने 2000 टिकट 10 रुपये करके बेचा तो उसने अपना पैसा इकट्ठा किया। और जब उसके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है फिर वो टिकट होल्डर के माध्यम से, जो टिकट कराया है पब्लिक ने, उसमें वो लकी ड्रॉ कराता है। और लकी ड्रॉ करा के, लकी ड्रॉ में जिन जिन पब्लिक का या लोगों का नाम निकल के आता है उनको वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड के रूप में प्राइज़ देता है। तो ये होता है लॉटरी का सिस्टम और लॉटरी के लोगों का कमाने का सिस्टम। अब इसके बाद मेन जो हो जाता है वो राज्य सरकारों के ऊपर होता है कि कौन सी राज्य सरकार अपने स्टेट में इस परमिशन को देती है और कौन सी राज्य सरकार इसके अपने स्टेट में इसको परमिशन नहीं देती है। बहुत सारे लोग लॉटरी को जुआ के रूप में भी देखते हैं, मगर जुआ में क्या होता है कि आपने एक ही बार में पैसा लगाया और एक ही बार में हारे या जीते वो आपके ऊपर है। मगर लॉटरी थोड़ा सा अलग है, इसमें एक 5 रुपये 10 रुपये का ही टिकट कराया जाता है तो एक बार में कोई इसमें बर्बाद नहीं हो सकता, मुश्किल है। अगर उसको आदत लग जाए या लत लग जाए कि धीरे धीरे उसको हैबिट हो जाए रोज़ लॉटरी कटाने का और उसको ना लगे लॉटरी, तो फिर वो मतलब समझिए तो ईएमआई में बर्बाद होता है, इंस्टॉलमेंट में। मगर जुआ जो है उसका उल्टा है, वो एक ही बार में या इस पार या उस पार का खेल होता है, या पब्लिक जीता या पब्लिक हारा। ये डिफरेंस है लॉटरी में और जुआ में। और लॉटरी का जो बिजनेस है वो सीरियल वाइज और थोड़ा सा खुला हुआ है और गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन भी है जिसमें माना जाता है और गवर्नमेंट गाइड करती है इसको कि कैसे चलाना है और कैसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे एडवर्टाइज करना है, इन सारी चीज़ों को। तो अगर आपको भी लॉटरी का बिजनेस के बारे में इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर लॉटरी आप चला रहे हो या उसमें कोई मदद चाहिए या फिर आप लॉटरी के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा कंसल्टेंसी है, पेड कंसल्टेंसी, जिसको आप बुक करके आप कर सकते हैं। 1500 रुपये हम लोग का फ़ीस लेते हैं लगभग 30 मिनट के लिए। इसमें आपको जो भी जानकारी चाहिए लॉटरी के ऊपर हम आपको देंगे, और चाहे तो वो ईमेल पे भेजेंगे या आप फ़ोन पे बात करना चाहें तो फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं या वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी हम आपको बता सकते हैं, जिसमें कोई भी टॉपिक लॉटरी से रिलेटेड या कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोग आपको देंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर इस टॉपिक पर ऐसा कोई वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर आपको उसके बारे में भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।